तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब दबाओ और साथ में घंटी बजाना मत भूलना। हेलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। Ignore that. Yeah. Hello. Thanks for watching my channel and today we are gonna... Hey, just listen. Nashta first. Yeah, mummy. Kya hua? Bol. Mummy, maine aapko kitni baar bola hai ki jab bhi main video shoot kara karu, aap please us samay awaaz se mat nikala karo. Mujhe shanti ki zarurat hoti hai. ठीक है, लेकिन नाश्ता बन गया, आके नाश्ता खा ले। यार मम्मी वीडियो शूट कर रही हूँ। बेटा नाश्ता कर लेती तो मेरा काम फ्री हो जाता ना, मैं फिर बाकी काम कर लेती। अभी नहीं खाना, बाद में खा लूंगी। चल ठीक है, लेकिन जल्दी आके नाश्ता खा ले। जी हेलो, हम बोलिए मुकेश भाई। इतनी देर से पूछ रही हूँ नाश्ता खाना है या नहीं। हाँ, बाकी सब कर ले जाएंगे। ये लीजिए नाश्ता और खा लीजिएगा। हाँ, आपका काम मैं करता ना। जी जी जी, इतनी देर हो गई खाने दिए हुए, अभी तक आपके मुंह से एक निवाला नहीं उतरा है। जी जी जी, दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, फोन छोड़ा करो कभी कभी। मेरे तो कर्म में फूटे थे जो इस घर का खा रहा हूँ। अरे खाने में नमक ही नहीं है। नमक नहीं है सब्जी में? जब बनाने वाली की जिंदगी में कोई नमक नहीं है तो सब्जी में कहाँ से आएगा? यार तुम अजीब बात करती हो। देखो जी, मेरा मुंह मत छुओ। किया क्या आज तक आपने मेरे लिए? आपसे कहा था कि जाना सामान ले आना बाजार से, कुछ करते हो? कुछ नहीं करते हो। 2.5 साल हो गए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हुए। 2.5 साल पहले कहा था कि सुनो आज एनिवर्सरी है, आज फूल ले आना। गए बाजार से गोभी का फूल लिया है, कहते बनाओ अच्छी लगेगी। हाँ तो फूल मांगा था तो फूल ही तो ला के दिया था। ये थोड़ी ना कहते कौन सा फूल चाहिए। तुमसे खाना मांगने से अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर चला जाऊँ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से मिलेगी। हर समय सुनाती रहती है मम्मी इतनी अच्छी है, तो मम्मी के पास ही चले जाओ ना, यहाँ क्यों रह रहे हो भाई। मम्मी के पास जाओ, मम्मी आपको 10 टाइम बना के खिलाएंगी, मम्मी आपकी सेवा करेंगी, ऐसी हरकतें देखेंगी है ना, फिर वो बताएंगे आपको। जब चप्पल से पिटाई करती है ना तब आपको समझ में आता है। देखो ज्यादा बोलो मत, मेरी ज्यादा बेइज्जती मत करो तुम। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है इस घर में आके। कोई कदर नहीं मेरी, छोड़ो घर की कोई कदर नहीं। घर को तो होटल समझते हैं, यहाँ फाइलें पड़ी हैं, बाहर उसके कपड़े पड़े हैं, वीडियो शूट करनी है, साफ सफाई करती हूँ, फिर भी कोई इज्जत नहीं। या नौकर जात तो हम है, मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए इस घर में लाया था कि तुम लोग के ऐसे काम करूं। यार तुमसे अच्छा ना एक कुत्ता होता है, कम से कम वफादार तो होता है, ऐसे काम करने के बाद सुनाता तो नहीं है। कुत्ता कुत्ता वफादार होता है? देखो पल तो रही आपकी लड़की, आज तक तो मैंने वफादारी देखी। कुत्ता लग बना दिया बेटा, ऊपर से उसके बाद भी रेट लगाती है, कुत्ता ला दो कुत्ता ला दो। लेके तो आ जाओगे, धर दोगे मेरी छाती पे, पालेगा कौन, साफ सफाई कौन करेगा, खुद तो अपने निकल लेता दोनों, कौन करेगा साफ सफाई, मुझसे ही करवाओगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज वीडियो नहीं बनने वाली है। यार बदतमीजी की हद होती है, तुमने तो एकदम दिमाग खराब कर रखा है अपना। इतने सीरियल मत देखा करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पूरे दिन आप करते क्या है? नहीं पूरे दिन आप करते क्या है? पिक्चरें देखते हैं, बाहर जाते हैं। यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुझे ना घर में पिक्चरें देखने की जरूरत नहीं है, पूरा ड्रामा तो तुम ही करती रहती हो। पिक्चरों का इतना शौक है तो पिक्चरों से कुछ सीख लेते। देखा है कैसे सैफ करीना के लिए लड़ जाता है? सैफ और करीना की बात तो तुम करो ही मत भाई, वो करीना है, क्यों कर इसके लिए ना करे। और तुम खुद को देखा है? हाँ अगर हम इतने खराब थे तो शादी क्यों की? मुझे तो दुख होता है उस घड़ी का जिस घड़ी में तुम मेरे गले पड़ गई थी। हम भी तो झेल रहे हैं तुम्हें, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। कैसे पूरे दिन पड़े रहती है यूजलेस एकदम। यार इस औरत का कुछ नहीं हो सकता, हर वक्त रोती रहती है। इतना सब ला के दे दिया फिर भी इसकी तो शिकायतें बंद ही नहीं होती। इतना सब बोलने के बाद इतना सा असर नहीं पड़ेगा आपके, ये नहीं कि कुछ बदल जाए। मैं क्या बताऊं, इस फैमिली को मेरा पूरा घर बना दिया है। पापा सुनिए ना, या तो प्लीज एयरफोन लगा के वीडियो सुना करो, या तो किसी तेज मत सुना करो, इसकी वॉल्यूम धीरे कर दो। मम्मी यार मैंने आपको कहा ना शांति चाहिए मुझे, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ आप लोग ऐसे ही शुरू हो जाते।
काटो, वीडियो बनाओ तो कब बनाओ। हाय देखो बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है जिसे तुम तो बड़ा फोन छोड़ती हो। बस अब यही दिन देखना बचा था ना, तुम्हें पैदा किया ना उसको, देखो कैसी कैची कैसी जवान चल रही। अपना फोन ना बाप को बताइए कैसे चल रहा है। मैंने क्या किया यार, मैं आपसे 100 बार कहा इसका फोन छीनवा लो, आपको तो समझ में आती नहीं है। पूरे दिन कमरे के अंदर घुस के टिकटॉक बनाया करती है, पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाया करती है। कभी नहीं होता इस लड़की से कि बाहर आए मुझे बना के खाए, कभी आपको बुलाए या कुछ नया बताए, बताए कि आज स्कूल में क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं। अभी रिजल्ट आएगा देखो, मैं जो कहती हूँ सब साबित हो जाएगा। समझ में नहीं आती इस लड़की को, देख क्या रही है, देख क्या रही है। घर का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इस घर का मेरी लिखवा लो, इस घर का कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो ये थी मेरे घर की कहानी। और अगर आपके घर की कहानी भी कुछ ऐसी है ना कि बड़े के झगड़ों में आप पीछे जाते हो, तो अपने जैसे प्रताड़ित लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया तो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी, लाती रहूंगी। और हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मेल कैरेक्टर ट्राई किया है, तो अगर पसंद आया हो या कोई और सजेशन हो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करूँ। So thank you for supporting me, and I'll see you in my next video. Till then, bye, take care.